हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे चैनल एमी स्वाद में। आज की रेसिपी हम बनाएंगे बाटी। ये राजस्थान की फेमस डिश है दाल बाटी। इसे आप दाल के साथ भी खा सकते हैं अगर बच जाए तो, इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 5 कप गेहूं का आटा लिया है और 1 कप मैं यहाँ पे बारीक सूजी लूँगी और इसमें इस तरह से मिक्स कर दूँगी। तो मैंने 5 कप आटे में 1 कप सूजी लिए, बारीक लिए। अगर आपके पास मोटी हो तो आप इसमें मिक्सर में से निकाल सकते हैं। और मैं इसमें अभी 2 चम्मच जीरा डालूँगी, 2 चम्मच अजवाइन लूँगी। तो उसे मैं इस तरह से क्रश करके डालूँगी थोड़ा, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसमें। एक चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, 3 से 4 चम्मच देसी घी डालेंगे, आप इसके जगह तेल भी डाल सकते हैं। अब इसे पहले मिक्स कर लेंगे हाथों से। और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे इसमें, आप इसके जगह खाने का सोडा भी डाल सकते हैं। अभी ने अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से आटा बनना चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सख्त डो बना लेंगे इसका। तो देखिए इस तरह से हमें इसका सख्त डो बनाना है। अब इसे हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। तो देखिए हमारा ये डो तैयार है। अब इसमें से हम छोटे छोटे लोया लेंगे इस तरह से, और उन्हें इस तरह से हम थोड़ा सा मसल लेंगे हाथों से, और इन पे हम थोड़ा सा तेल लगाते जाएंगे अंदर इस तरह से, जिससे कि हमारी लेयर अच्छी बनेगी इस तरह से। और इन्हें हम इस तरह से थोड़ा सा राउंड कर लेंगे। ये देखिए इसे यहाँ पे हम सील कर लेंगे इसे, और इसे हम इस तरह से कर लेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा प्रेस कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हम इसकी ये गोल गोल बाटी बना लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने कुकर का बर्तन लिया, इसे मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया, जिसमें बना बना के हम इस तरह से रख देंगे। देखिए इस तरह से हमने सभी को बना लिया और इस तरह से हमने इसे रख दिया यहाँ पे। अब इसे हम कुकर में लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने बड़ा वाला कुकर लिया है और इसमें थोड़ा पानी डाला नीचे, और इसमें हम इसे रख देंगे और इसे 3 से 4 सीटी हम देंगे यहाँ पे। और ये ऊपर वाले में हमें एक ढक्कन लगा देंगे इसमें, और इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे और 3 से 4 सीटी हम दे देंगे इसे, ढक्कन लगा देंगे। 3 से 4 सीटी हम इसे स्टीम में हम पका लेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे बाटी, यहाँ पर हमने इसे स्टीम कर लिया इस तरह से, और ठंडा होने पे हमने कुकर को खोल के इसे निकाल लिया है। अब इसके हम 4 टुकड़े करेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए इस तरह से इसके टुकड़े कर लेंगे। तो 4-4 हम इस तरह से सभी बाटी के इस तरह से टुकड़े कर लेंगे। तो सभी बाटी को हम इस तरह से 4 पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए हमने सभी इस तरह से पीसेस में कट कर लिए। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम बाटी को डालेंगे। तो बाटी को हम इस तरह से डालेंगे, हाथों से नहीं डालेंगे। हाथों से डालेंगे तो तेल ऊपर हाथ में उड़ेगा। तो इस तरह से हम
इसको डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे। और गैस को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखेंगे। और इन्हें अच्छे से ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा क्रंची चाहिए तो आप इसे ज़्यादा ब्राउन कर सकते हैं। इसे हम थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। देखिए हमारे बाटे कितनी अच्छी बनके तैयार है, और इसकी लेयर्स भी देखिए, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसे दाल बाटी के साथ भी, दाल के साथ भी खा सकते हैं, या इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए बहुत बढ़िया बन गई है, ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।